सो हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हमने होटल भी ले लिया है। हम बहुत थक गए थे, इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया, बस लेट गए थे। आकर अब हम ब्रेकफास्ट के लिए सुबह रेडी हुए हैं और हम निकल गए हैं ब्रेकफास्ट करके। सो नेक्स्ट टारगेट है हमारा लाखा मंडल, जो कि बहुत एक सुंदर टेम्पल है जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की। हम बहुत आगे 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 गए थे और बड़ा ख़राब सा भी रास्ता था, अजीब सा, डरावना सा, पर बहुत मज़ा आया। दैट वॉज़ ए ग्रेट एक्सपीरियंस। तो अभी हम आपको दिखाते हैं वो मंदिर कितना सुंदर है। वो केदारनाथ जैसा मंदिर है, वो बहुत सुंदर था। सो स्टे ट्यून्ड। चिल्लाए हूँ, आवाज़ बहुत तेजी से जा रहा है। आप गाड़ी चला रहे हो, अंदर बहुत ही सुंदर लड़की आ रही है, तो पीछे से आ जा। जलंधर का राजा था, ईश्वरा थी एक लेडी, उसका पति। देखा इसकी खोज मतलब गाय द्वारा हुई, तभी मतलब हम लोग ऊपर के हैं, कहते हैं बहुत ऊपर की पौड़ी हमारी, मतलब बज्जी गिराना है, तो हमारे काफ़ी आई तो मतलब यहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट करने लगे। ये पुराना मंदिर पीछे वाला है, लकड़ी का मतलब बाद में बना है। आप लोग आ जाओ। इसको
आपको चारों तरफ मिलेंगे आपको। पुराना मंदिर ये वाला है, गाय माता से इसकी खोज हुई, मतलब एक संकेत है, कहते हैं गाय माता पे 33 कोटी देवी देवता का वास होता है। वो भी कैसे बोलता क्या है ये मिल गया इसका सबका ले लेना इसके साथ साथ सबका सबका ले लेना। ये देखो चारों तरफ गाय माता का और इस मंदिर का जो मैप है पूरा केदारनाथ की तरह है, उसको आदि केदारनाथ भी कहते हैं। आप सब खड़े हो जाओ, दो मिनट में सबकी फोटो ले लेता हूँ। अच्छा सब ले लो, ले फोन ले लो। ये मंदिर बनाने का जिनका यहाँ बाबा प्राण प्रतिष्ठा बाबा यहाँ बास करते हैं वही मंदिर होता है यहाँ। ये इलाका युद्ध खत्म होता है, युद्ध के बाद कहते हैं जब वो सर के लिए निकलते हैं तो ये दोबारा इस स्थान पे 100 लाख शिवलिंग मूर्तियों की स्थापना करते हैं, तब भी उनका पाप खंडित नहीं होता। वो इसे शिव का शिवलिंग नहीं कहा जाता क्योंकि शिव का शिवलिंग का जो मुंह होता है पूर्व दिशा के लिए होता है, आगे के लिए होता है, मंदिर का मुंह भी आगे के लिए, तो इसका मुंह है पश्चिम दिशा के लिए। पश्चिम दिशा के लिए कहते हैं स्वर्ग का मुंह भी होता है। इसके उद्दिष्ट लिंग इसलिए कहते हैं ये जो तो खड़े हैं द्वार का, आप यूट्यूब या गूगल में सर्च मारोगे तो हमारे बुजुर्ग ने बताया यहाँ पे पहले कोई व्यक्ति जो मरता था तो यहाँ पे कुछ पहले जीवित होता था। आप सर्च मारोगे इलाका मंडल तो बताते थे जो ये खड़े हैं ये है द्वारपाल, उनके नाम आपने सुने होंगे जैसे वीरभद्र, जय विजय, द्वारपाल, देव दानव। अभी कलयुग में इनका नाम है देव और दानव। जीरे मोती वाला मतलब देवता, उसकी खोपड़ी के मसाले जो राक्षस होता है एक राक्षस एक देवता और दूसरी शिवलिंग धर्म राजिंग। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कंफर्म करने के लिए, मतलब यहाँ पे शिवलिंग है या नहीं है यहाँ पे खुद कंफर्म करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग जब खेला करते थे, हम ऑल गेम खेलते थे कबड्डी हम गाँव के, तो यहाँ पे 2007 में मतलब आर्कियोलॉजी को तो विभाग की तरफ से खुदाई हुई, जितनी ये ग्रीलें देखी केवल इतनी है। तो इतनी सी खुदाई में इतनी सारी, जब गवर्नमेंट का आदेश आएगा भैया तो जो हमारे घर पुराने लकड़ी के हैं ना 50 साल पुराने सौ, तो जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी मतलब रोड से ऊपर 100-200 मीटर का एरिया अब गवर्नमेंट ने अपने एरिया में ले लिया आर्कियोलॉजी पर। अब जब उनका नमो शिवाय नमो ओम त्र्यंबकं जघामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम पूर्वार्कमे वंदनाथ मृत्युर्मुक्षे महामृतात् ओम नमो शिवाय नमो नमो शिवाय नमो ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो। मुंह देखो भोले बाबा बैठे आन लग रहा से है, पांव तोड़वा दिया चलते चलते। अब कर मैं चकरा नाखा मंडल दिल्ली ते उरेकू है, मसूरी ते उरेकू है, परेकू है। चलो यार दिमाग से पसीने बह रहे हैं, उसके भी परेकू यहां पे भी लगा ठीक है कोई बात नहीं पानी का है टपक तो रहा है उनके ऊपर शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग का है वो दिख रहा है पीछे, वो शेष नाग है पीछे, ये शिवलिंग है सामने जहाँ लाइट मार रहा है भैया। Thank you.
तो सुंदर लग रहा है मैं नीचे देखो। वाओ ये है यमुनोत्री। अरे यमुनोत्री ग्रीन ग्रीन। यहाँ पे जो आप पानी देख रहे हो ना क्रिस्टल क्लियर, ये यमुना जी का पानी है और यही दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते काला हो जाता है। काला हो जाता जैसे करप्शन दिल्ली में है। दिल्ली तक आते आते सारी चीज करप्ट हो जाती है, वहाँ लोग करप्ट हुए पड़े। और ये है यमुनोत्री का रियल कलर, एकदम नीला ठंडा। वो ये दो नीचे कहाँ तक गए, हमें भी जाना। किंगफिशर टाइमिंग होता ना मजा आ जाता। टाइम नहीं है भाई, तुम चलो आगे को कुछ पानी देखना, कुछ पानी भाई सब पूर्ति हो जाएगी। चलो ठीक है, आधा रास्ता है। हां रास्ता तो बहुत है बेटा, कुछ जाओ ऊपर। यमुनोत्री 72 किलोमीटर। यमुनोत्री भी चल लो आज। यमुनोत्री रास्ते में वहां का कौन सा, यमुनोत्री तो बहुत दूर है, पानी यही तो आ रहा है। ये देखो गाइस आगे पीछे करके देखो, गाइस इस तरह देखते ही देखते हम अपने घर आ गए, घर के लिए निकल लिए थे। और लेकिन बहुत अच्छी ट्रिप थी, हमने बहुत इन्जॉय किया। और ये हमारी फर्स्ट ट्रिप थी फैमिली के साथ, हम सब मिलकर गए थे, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद हम लोगों ने, हमारे पास कम टाइम था इसलिए हम जल्दी जल्दी दूर बहुत अच्छी जगह पर होके आ गए। और ये जगह का नाम चकराता था। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे आए खाने पीने कुछ, रात बहुत हो चुकी थी। यहाँ से भी हमारा घर बहुत दूर था, 2-3 घंटे। तो प्लीज़ गाइस आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।